आधुनिक समय में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। नदियों को फिर से रूट करना, जलाशयों को फिर से व्यवस्थित करना, मोनोकल्चर खेती पर ध्यान केंद्रित करना, रोड्स के बगल में शहर बनाना और फिर जहां पानी कम हो वहां पानी पहुंचाना दुनिया भर में आदर्श बन गया है। अचानक इकोनॉमी इस डेवलपमेंट से एग्री हो सकती है, लेकिन पर्यावरण का इसमें नुकसान हो रहा है। ऐसी ही मानव निर्मित प्रॉब्लम्स का जीता जागता एग्जाम्पल है अरल सागर। देखते हैं आखिर क्या है अरल सागर की कहानी। 1960 के दशक में अरल सागर में बहुत बड़ा मछली पकड़ने का उद्योग हुआ करता था। आज ये सागर, जो अपने विशाल आकार के कारण समुद्र कहलाता था, वो झील बनकर रह गया है। अपने मूल आकार का मात्र 25% रह गया है। कॉटन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमू दरिया और सीर दरिया, जो नदियां अरल सागर को जाकर मिलती थी, उन्हें रूट कर दिया गया। अब ये पंजाब राज्य जितना बड़ा सागर गोवा के आकार से भी छोटा हो गया है। अरल सागर एक मानव निर्मित आपदा है। ये पर्यावरणीय तबाही 1990 के दशक के अंत में महसूस की गई थी। इसके परिणाम आज और भी क्लियर दिखते हैं। ईयर 1960 में झील की गहराई 68 मीटर थी, आज ये 10 मीटर से भी कम है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण भी हुआ है। इससे पिछले 6 डेकेड्स में पानी की मात्रा 90% से भी ज़्यादा कम हुई है। कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अब खत्म हो गई है। अरल सागर एक टर्मिनल झील है जिसमें कोई आउटलेट नहीं है। चूंकि ये रेन शैडो एरिया है, बाष्पीकरण का रेशो बारिश के रेशो से कई ज़्यादा है। अरल सागर के नॉर्थ में स्थित एक शहर नुकस में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश होती है। नदियों को इसमें पहुंचने से बंद करना, बारिश, बाष्पीकरण और लीकेज, इन चार वजहों से इसके पानी की मात्रा कम होती रही है। अरल सागर के सिकुड़ने के वजह से इस क्षेत्र का क्लाइमेट एक्सट्रीमली चेंज हो गया है। ये सागर सूखने के कारण यहाँ पर रेगिस्तान बन गया है और इस वजह से यहाँ गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। इससे ना कि हवा दूषित हो गई है, बल्कि नमक के कणों के कारण फसल की पैदावार भी कम हो गई है। अरल सागर का साउथ वेस्ट किनारा एकदम खत्म हो गया है, जहाँ बड़ा पठार और घाटियाँ बन गई है। यहाँ जहाज़ों के बिखरे हुए अवशेष भी मिलते हैं। इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोग बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। हाल ही में एक कंपनी ने इस समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन के होने का पता लगाया, लेकिन तेल और गैस निकालने के इस प्रोसेस से अरल सागर और सूख जाएगा। 1993 में मध्य एशियाई देशों ने अरल सागर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना की। मिशन अरल सागर बेसिन में रहने वाले लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करके उन्हें बचाना था। ईयर 2005 में कजाक गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट से एक डैम भी बनाया गया। उज़्बेक गवर्नमेंट बचे हुए जलाशयों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इन छुटपुट प्रयासों से कुछ नहीं होगा। सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाकर एक क्रॉस कंट्री प्रोग्राम को लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि खोई हुई झील को वापस उस रूप में लाने के लिए कई जनरेशंस लग सकती है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।